नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, हेलो आप सभी लोगों को भाइयों। आएगा तो मोदी, जी हाँ आएगा तो मोदी, ऐसा क्यों पूरा भारत कहता है और ऐसा क्यों मैं स्वयं अनुपम त्रिपाठी फाइनेंस कहता। मेरे 15 कारण आज मैं देने वाला हूँ इस वीडियो में आपको। जी हाँ, 1 और 5, 15 कारण क्यों आएगा तो मोदी और क्यों भारत के लिए प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी सबसे बेहतरीन है 2024 से 2029 के लिए। जी हाँ, मेरा पहला कारण है प्रभु श्री राम की कृपा है। जी हाँ, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना। 7000 साल से प्रभु श्री राम और उनका मंदिर और पूजा बराबर हुई। 500 साल का मात्र 500 साल का बीच में विराम लगा बाबर के कारण, और फिर पूरी कानून कॉन्स्टिट्यूशन सबको देखते हुए, सबको नजर रखते हुए वेट किया गया और इवेंचुअली सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस दिया इस मामले में और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भव्य राम मंदिर बनाया गया। इससे भारत के 85 करोड़ हिंदू भाई, हम सभी लोग, हमारी अस्मिता जुड़ी हुई है। दुनिया भर के 125 करोड़ हिंदू लोग को बहुत खुशी मिली है, और सबसे बड़ी बात प्रभु श्री राम स्वयं उनकी कृपा बरसते रहेगी। इस कारण से आएगा तो मोदी। मोदी जी हैज डन अ फैंटास्टिक जॉब, फैंटास्टिक जॉब। देखिए, द हिंदूज विदाउट अ डाउट ऑल ओवर द वर्ल्ड 115 करोड़ प्लस ऑफ देम आर वेरी वेरी हैप्पी that we finally have a leader who cares about what truly matters. प्रभु श्री राम की कृपा रहेगी, आएगा तो मोदी। मेरा दूसरा कारण है इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी भारत की। पिछले 10 साल में आप देखिए मोदी जी के नेतृत्व में, याद करिए वो दिन प्री मोदी, हम दिल्ली में रहते थे, दिल्ली में कनॉट प्लेस में सेंट्रल पार्क के सीटों कुर्सियों वो जो बेंचेस होती है ना उसके नीचे आरडीएक्स पाया जाता था। बस ब्लास्ट, ट्रेन ब्लास्ट, ये ब्लास्ट, वो ब्लास्ट, ग्रेटर कैलाश की मैकडॉनल्ड्स में ब्लास्ट, ये आम बातें थी। मुंबई ताज में क्या हुआ, परेशान थे हम। पाकिस्तान जब चाहता था अपने टेररिस्टों को भेज देता था, उन टेररिस्टों को कोई पकड़ ही नहीं पाता था, वो सब घुस जाते थे, ब्लास्ट करते थे, फायरिंग करते थे, अपना घूम फिर के चना जोड़ गरम खा के चले जाते थे। ये तो हाल था भारत का इंटरनल सिक्योरिटी का। और एक्सटर्नल सिक्योरिटी आप याद करिए, भारत के उस समय जो फॉरेन रिलेशंस और जो फ्रेंडलीज जिसको कहते हैं वो इतनी स्ट्रांग मजबूत नहीं थी। एक हमारा मजबूत हमेशा से एलाई और दोस्त था रशिया, और उसके अलावा ये सार्क के नेशंस और कुछ मिडिल ईस्ट के नेशंस और कुछ नहीं। जब वो अमेरिका सैंक्शन लगा दे, जब वो यूरोप सैंक्शन लगा दे, ये यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी, ये लोग ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये लोग ज्यादा पूछते नहीं थे हमें, ये सत्य है। और मोदी जी के आने के बाद ये सब बदला। मेरा तीसरा कारण है कि वो आएगा मोदी, और आएगा तो मोदी, वो है इंटरनेशनली आप देखिए भारत की और भारत के लोगों की, भारतीय लोगों की छवि बढ़ गई है, बेटर हो गई। कल कोई प्री मोदी, मोदी जी के आने से पहले जब कोई भारत का पासपोर्ट देखता था, वो पासपोर्ट ऑफिसर्स विदेश कंट्री में, तो वो देखते थे भारत के, हाँ ये बड़े पीसफुल लोग हैं, गांधी जी के धरती से आए हैं, बड़े बेचारे लोग हैं, लड़ाई वड़ाई किसी से करते नहीं है। अब क्यों नहीं लड़ाई करते हैं, शायद डरपोक हूं क्या पता, लेकिन चलो अच्छे भले लोग हैं, आने दो आने दो, इस किस्म की एक इमेज होती थी। मोदी जी ने उस भारतीय इमेज को, उस भारतीय मैं कहूंगा सीने को और उस शोल्डर को, कंधे को ऐसा चौड़ा और टॉल कर दिया है। जी हाँ, अब हम भारतीय लोग ऐसे हो गए, हम लोग 2014 से पहले ऐसे होते थे, अब हम लोग ऐसे हो गए हैं। अब हम लोग भारत में चले चाहे भारत के बाहर कहीं जाए, सारी दुनिया हमारा लोहा मानती है, सारी दुनिया कहती है अरे यार ये तो भारत के लोग हैं, मोदी जी के देश से आए भैया, अरे लगाओ जल्दी से, बड़ा स्ट्रांग देश है। एंड वर्ल्ड के टॉप 3 टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्रीज में, इंक्लूडिंग द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल वाले स्ट्रांग देश, उसमें सारी दुनिया हमारा लोहा मानती है, हम सारी दुनिया को लीड करते हैं, कंधे से कंधे मिलाकर चलते हैं उनके साथ और लीड करते हैं अधिकतर जगह। आज अमेरिका, रशिया, चाइना के बाद नाम इंडिया का ही आता है, और फिर यूके, जर्मनी, फ्रांस वगैरह और बाकी देशों का नाम आता है। जब भी बात होती है द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल कंट्रीज, स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्रीज, इंडिया, अमेरिका, चाइना, रशिया एंड देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉलोज।
इसलिए आएगा तो मोदी। मेरा चौथा कारण है क्यों आएगा तो मोदी। भारत की पिछले 10 साल में आपने रोड्स देखी, हमारा हाईवेज, हमारा एक्सप्रेसवेज, टनल्स, ब्रिजेस, अब तो पोर्ट्स बनवाए, सी पोर्ट्स, जी हाँ, जगह जगह सी पोर्ट्स। मात्र 7-10 एयरपोर्ट होते थे भारत में 2014 से पहले, फैक्ट है, कैन यू बिलीव इट, 70 साल इंडिपेंडेंस के साथ एयरपोर्ट, आज 75+ एयरपोर्ट हो चुके हैं हमारे, वर्ल्ड क्लास सारे एयरपोर्ट हैं। आज छोटे छोटे शहर में एयरपोर्ट है, वो भी वर्ल्ड क्लास। भारत के रेलवे स्टेशन देखे थे पहले, बांस मारते थे, अब रेलवे स्टेशन देखे क्या ओवरऑलिंग हो गई है, 5-स्टार स्पेसेस, बिल्कुल एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन में फर्क नहीं है साहब। हर हफ्ते हर 4 दिन में एक नई वंदे भारत ट्रेन निकल रही होती है, ट्रेन में कभी बैठे हैं, वर्ल्ड क्लास ट्रेन है, वर्ल्ड क्लास ट्रेन। तो ये सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आप देख रहे हैं, ये सब था ही नहीं पहले 70 साल से, पता नहीं क्या हो रहा था, रोडे नहीं बन रही थी, ये नहीं बन रहा था, वो नहीं बन रहा था, 4 फ्लाईओवर बना देते थे, बड़े खुश हो जाते थे। आप ये इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, और इस किस्म के इंफ्रास्ट्रक्चर से देखिए रियल ट्रिकलिंग डाउन इफेक्ट होता है, ग्रोथ आता है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर एक पुरानी जॉन एफ कैनेडी साहब की लाइन है जो आज के नितिन गडकरी हमारे हमेशा रिपीट करते हैं, बिल्कुल सही है, अमेरिका इज रिच सो अमेरिका हैज ग्रेट रोड्स, इज नॉट ट्रू, अमेरिका हैज ग्रेट रोड्स सो अमेरिका इज रिच, ये JFK ने कहा था, जॉन एफ कैनेडी ने। आज नितिन गडकरी साहब ये चीज कहते हैं और रोडे सड़कें बनाते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं, इज एब्सोल्युटली राइट। जितनी सड़कें बढ़ेगी, जितना इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, उतना ज्यादा भारत की इकोनॉमी बढ़ेगी। एक तो ये सब बनाने में जो है टेंडर्स होते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, पहली बात तो जॉब्स मिलती हैं लोगों को। दूसरा, एक बार आपकी सड़कें इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो जाए तो बिजनेस बढ़ता है, कारोबार बढ़ता है, आप समझिए। वो मेरठ जो 4 घंटे लग जाते थे पहले जाने में, आज मात्र 40 मिनट में आप कवर कर लेते हैं। जयपुर 5 से 6 घंटे का रास्ता हमेशा से, आने वाले साल भर के अंदर ये मुंबई दिल्ली पूरा कंप्लीट हो जाए तो ये 2 घंटे में हम रास्ता पूरा कर लेंगे। देहरादून जो है आज का मार्ग का इतना पास हो गया है, आप मुंबई दिल्ली कर सकते हैं, दिल्ली इलाहाबाद बाय रोड जा सकते हैं, क्या कनेक्टिविटी है। और ये हमारे हाईवेज अमेरिका के हाईवेज से बेटर है क्योंकि नए हैं और अच्छे हैं, आधुनिक टेक्नोलॉजी से बने। इस कारण से आएगा तो मोदी। देखिए, वी आर ऑलरेडी अ $4 trillion इकोनॉमी, जी हाँ, 70 साल में हम 1.25 trillion तक पहुंचे और पिछले 10 साल में हम 4 trillion हो गए हैं। और 30 साल आप मोदी जी के शासन, भारतीय जनता पार्टी को दे दीजिए, हम $35 trillion की इकोनॉमी हो जाएगी। जी हाँ, जो अमेरिका आज है $35 trillion की इकोनॉमी, वो हम हो जाएंगे और क्रॉस कर जाएंगे। 40 साल दे दीजिए, हम $50 trillion की इकोनॉमी होंगे। पूरी दुनिया ये ग्रोथ को रोक नहीं सकती है, ठीक है। वी आर दी 3rd fastest growing इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, ये बहुत बहुत बड़ी चीज है। भारत के शेयर मार्केट देखिए, 75,000 पॉइंट पे ऑल टाइम हाई। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में देखिए, फिर लेटेस्ट देखिए, अब तो फॉरेन चार्ज में जो 100% इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी, मोदी जी ने कहा $500 million इन्वेस्ट करो यहाँ भारत में, अपना फैक्ट्री लगाओ, हमारे लोगों को जॉब दो, हम उस 100% ड्यूटी को रिड्यूस करके 15% कर देंगे। तो ये जो बाहर की जो गाड़ियां हैं ना, जो आपको डबल दाम में मिलती थी, वो मात्र 15% बढ़ के मिलेगी, डबल दाम पे नहीं मिलेगी। उनको करना क्या है, यहाँ फैक्ट्री डालना है, तो बहुत अच्छी चीज है हमारे लिए। फैक्ट्री डालेगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, यहाँ पे माल बनेगा, क्यों नहीं, दिस इज अ ग्रेट थिंग, लेटेस्ट थिंग दैट मोदी जी हैज डन, एंड इसीलिए आएगा तो मोदी। आता हूं मैं अपने छठे कारण, वाई आएगा तो मोदी। देखिए, मोदी जी एक बहुत ही विजनरी लीडर, की बड़ी सॉलिड लीडरशिप है, उनकी एक विजन है। और कॉन्ट्ररी टू ये जो वीडियो आजकल बन रहे हैं कार्टून वीडियोस में, कहता हूं इनको क्या मोदी डिक्टेटर, अटर नॉनसेंस, इट इज एब्सोल्यूट रबिश। वो इंसान डिक्टेटर हो ही नहीं सकता है जो नीचे से आया है ऊपर। मोदी जी 15 साल प्रचारक थे भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने नीचे सब देखा है, पर्चे बांटे हैं, पर्चे दीवारों पे लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी के, वहां से उठे हैं सब लोग, उनके सीनियर सबको जी सर किया है मोदी जी ने, नीचे से आए। फिर मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में उन्होंने काम किया है, देखा है कैसे पार्टी को बढ़ाना है, क्या करना, सबके साथ मिलकर काम किया है, 15 साल का एक्सपीरियंस है। फिर बने चीफ मिनिस्टर गुजरात, 3 टर्म, 15 साल एज CM उन्होंने काम किया है, एक स्टेट की को लीडरशिप प्रोवाइड करी है, स्टेट में डेवलपमेंट देखी है, डेवलपमेंट करी है, और फिर भारत के प्रधानमंत्री बनने का उनको अवसर मिला और पिछले 10 साल से लगातार भारत के प्रधानमंत्री हैं और 3rd term के लिए यानी 5 और साल के लिए प्रधानमंत्री होने वाले हैं। इस प्रकार का इंसान डेमोक्रेटिक ही होगा, ही कैन नॉट पॉसिबली बी अ डिक्टेटर, मतलब ये बेवकूफी की चीज है। जो 10 साल से प्रधानमंत्री रहा है, अगर वो डिक्टेटर ही होता तो भारत में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस,
राहुल गांधी जब हो मोदी जी को कुछ कहते हैं, केजरीवाल सारे दिन जो है बस लिए अटैक करते रहे। ध्रुव राठी की वीडियो, डिक्टेटर मोदी, आकाश बैनर्जी टेरी, लगाए रहे ये लोग अपना प्रोपेगेंडा, सारी लेफ्ट फोर्सेस, कांग्रेस बैक्ड फोर्सेस, लेफ्ट बैक्ड फोर्सेस लगाए रहे मोदी जी को आए दिन प्रोपेगेंडा उनके खिलाफ, कहां कहां कौन कौन फाउंडेशन से अपना अपना चंदा इकट्ठा करके भारत के खिलाफ बकबक 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 बकवास करते रहे। देखिए बॉटम लाइन है, आएगा तो मोदी, क्योंकि मोदी जी डेमोक्रेटिक है, एक एस्ट्यूट लीडर है, अच्छे लीडर है, इसलिए आएगा तो मोदी। आता हूं मैं अपने सातवें कारण पे, क्यों आएगा तो मोदी। देखिए आर्टिकल 370 की जो एब्रोगेशन हुई है, अब ये कश्मीर को जो हमने आजाद कर दिया है फ्रॉम 370 ओरिजिनल जो फेडरल्स थे उस पे, और आज भारत का कश्मीर, जम्मू, लद्दाख सब एज मच मतलब वो मेन स्ट्रीम में आ गया है। पहले अलग होता था, पहले हम लोग हमेशा कहते थे इंडिया एंड जम्मू एंड कश्मीर, अभी इंडिया एंड जम्मू एंड कश्मीर नहीं, बात वन इंडिया और सब उसमें। तो ये बहुत बहुत ही एक प्रोग्रेसिव स्टेप रहा है। ऑलरेडी आप देख लीजिए, आप कश्मीर में देख लीजिए, मतलब अनहर्ड ऑफ था। लाल चौक पे तो मतलब पाकिस्तान के झंडे पहले फहराए जाते थे भाई, मात्र 10 साल पहले, 15 साल पहले झंडे फहराए जाते थे। आज आप देखिए लाल चौक पे जाइए, बिल्कुल कनॉट प्लेस की तरह सीन होता है। सारे पर्यटन हम लोग जो है पूरा नॉर्थ इंडिया पहुंचे रहता है वहां गर्मी की छुट्टी भाई मनाने। कितना वहां की इकोनॉमी के लिए अच्छा हो रहा है, लोकल्स के लिए अच्छा हो रहा है, डेवलपमेंट हो रही है। पाकिस्तान के आप वीडियोस देखिए, वहां के जो 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 पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वहां वो जा जाके यूट्यूबर्स वीडियो लेते हैं तो वो कहते हैं यार कश्मीर में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, हमको यहाँ पाकिस्तान के साथ नहीं रहना यार, ये क्या है, हमको भी इंडिया में मिलाओ। डेली पाकिस्तानी कहते हैं हमको भी इंडिया में मिलाओ, ये गुर्बत से बाहर निकालो, भैया मोदी जी हमको भी ले लो, बचा लो पाकिस्तान, तो पूरा पाकिस्तान आना चाहता है हमारे यहाँ। वो बलूचिस्तान बलूचीज कह रहे हैं भैया हमको ले लो इंडिया में, प्लीज ले लो। डेली हाथ जोड़ते हैं, ले लो भैया मोदी जी प्लीज, डेली गुहार लगाते हैं मोदी जी से, हमको भी ले लो प्लीज, हमको भी ले लो। इट्स बीन फैंटास्टिक और इसलिए आएगा तो मोदी। मेरा आठवां कारण है कि वो आएगा तो मोदी। देखिए मोदी जी की आप लीडरशिप देखिए, और हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, चाहे सुषमा स्वराज जी हो और उसके बाद आज ये जयशंकर जी हो, आप देखिए इतना बढ़िया काम किया है कि जब जब ये लड़ाइयां हुई हैं और हमारे बच्चे कहीं बाहर फंस गए हैं, चाहे यूक्रेन में फंस गए हो, चाहे कहीं और फंस गए हो जहां वॉर लाइक सिचुएशन हो, तो इन इमरजेंसी से जिस प्रकार की लीडरशिप मोदी जी ने दिखाई, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री जयशंकर जी ने काम किया और इन बच्चों को बाहर से निकाला है हम लोगों ने, वो काबिले तारीफ है, और वो दिखाता है कि क्या लीडरशिप है। एंड दैट मोदी जी केयर्स फॉर आवर पीपल, नॉट जस्ट वंस इन इंडिया बट दी वंस हु आर स्टक अब्रॉड, वो भी एट द एंड ऑफ द डे भारतीय लोग हैं या भारतीय ओरिजिन के लोग हैं, और उनको मोदी जी ने बचाया है अपनी एस्टीट्यूट, अपनी बढ़िया लीडरशिप के कारण, इसलिए आएगा तो मोदी। हाँ जी, मेरा नौवां कारण है क्यों आएगा तो मोदी, हाँ, और इसलिए आएगा तो मोदी मैं कहता हूं। देखिए पहले ये मैंने आंकड़े निकाले हैं, इसको आप लोग गूगल कर सकते हैं, इंडिया टुडे की पूरी रिपोर्ट है इसमें, हाँ। 2006 से 2014 10 साल के आंकड़े निकाले गए, जब यूपीए की सरकार होती थी उन दिनों, ये मैं कोट कर रहा हूं क्योंकि लिखे हैं मैंने, ये नेशनल हमारे जो हाईवेज होते थे वो इस 10 साल के पीरियड में 25,000 किलोमीटर बने, ठीक है, 25,000 किलोमीटर 2006, नोट करिए 2006 से 2014 के पीरियड में जब यूपीए सरकार होती थी, तो नेशनल हाईवेज हमारे 25,000 किलोमीटर बनाए गए यूपीए सरकार के द्वारा। और फिर मेरे पास आंकड़े हैं 2015 से 2023, 9 साल के पीरियड में, 2015 से 2023 के पीरियड में मोदी जी के शासन में और नितिन गडकरी जी की लीडरशिप में जो सड़कें बनाते हैं, 53,700, जी हाँ आई रिपीट, 53,700 किलोमीटर के नेशनल हाईवे बनाए गए हैं। तो लिटरली डबल से भी ज्यादा प्रोग्रेस हुआ है हाईवे बनने में, तो ये बहुत अच्छी लीडरशिप है और ये दिख रहे हैं हम लोगों को, भाई हम लोग अपनी गाड़ियां चला रहे हैं हाईवे पे, हमें दिख रहा है क्या डेवलपमेंट हुई है। सो फ्रॉम 25,000 to 53,700 सेम पीरियड में यहां काम हुआ है, इसलिए आएगा तो मोदी। मेरा दसवां कारण है क्यों आएगा तो मोदी, ये देखिए आप, हाँ ये भी मैं कोट कर रहा हूं, गूगल कर सकते हैं, इंडिया टुडे की पूरी डिटेल रिपोर्ट है इसमें। ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स हमारे यूपीए टेन्योर में 2006 से 2014 में ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स जो थे इंडिया में वो थे 58.9 मिलियन। 10 साल के पीरियड में, 9 साल के पीरियड में 2006 से 2014 में 58.9 मिलियन ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स बने इंडिया में। और फिर मोदी जी के शासन में 2015 से 2023 के पीरियड में, 9 साल के पीरियड में, ये ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स 58.9 मिलियन से बढ़कर 771.3 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए। आई रिपीट, 771.3 मिलियन सब्सक्राइबर्स हुए हैं
ठीक है, यानी 5 करोड़ 90 लाख से बढ़ के 77 करोड़ 13 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए हैं मोदी जी के 9 साल के पीरियड में. यू कैन इमेजिन, आई मीन दिस इज ह्यूज. इसलिए आएगा तो मोदी. मेरा 11वां कारण है क्यों आएगा तो मोदी. आप रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में देख लीजिए, आप चेक कर लीजिए, रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में जिगा वॉट्स के टर्म्स में 2006 से 2014 के पीरियड में जब यूपीए सरकार होती थी तो हम लोग 25.7 गीगावाट्स हम लोग बिजली रिन्यूएबल एनर्जी बनाते थे, ठीक है. और 2015 से 2023 के बीच में 9 साल के पीरियड में, मोदी जी के 9 साल के पीरियड में, अब हम लोग 25.7 गीगावाट से बढ़ करके 95.7 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी हम लोग बनाते हैं. तो देख लीजिए 3 टाइम से भी ज्यादा, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स बढ़ोतरी यहां पर हुई है, 4 गुनी बढ़ोतरी उसी पीरियड में 9 साल में हुई है. इसलिए आएगा तो मोदी. मेरा 12वां कारण है, हाँ 12वां कारण है क्यों आएगा तो मोदी. आप रेलवे रूट्स की इलेक्ट्रिफिकेशन जरा देख लीजिए, हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही, रेलवे रूट्स की इलेक्ट्रिफिकेशन देख लीजिए. 2006 से 2014 के पीरियड में रेलवे रूट्स की इलेक्ट्रिफिकेशन टोटल हुई, हाँ 4100 किलोमीटर की इलेक्ट्रिफिकेशन हुई, रेलवे रूट्स में इलेक्ट्रिफिकेशन हुई 4100 किलोमीटर 9 साल में यूपीए सरकार ने दी रेलवे रूट इलेक्ट्रिफिकेशन. मोदी जी के 2015 से 2023 9 साल के पीरियड में आप देखें तो ये 4100 किलोमीटर की रेलवे रूट इलेक्ट्रिफिकेशन बढ़ के 28800 किलोमीटर की रेलवे रूट इलेक्ट्रिफिकेशन हो गई है. आई रिपीट, 28,800 किलोमीटर्स की रेलवे रूट इलेक्ट्रिफिकेशन हो गई है. इंडिया टुडे की डिटेल रिपोर्ट है, गूगल कर लीजिएगा आपको मिल जाएगी, मैं कोट कर रहा हूं उसे, ठीक है. अच्छा नेक्स्ट आते हैं क्यों इसलिए आएगा तो मोदी. अब आते हैं क्यों आएगा तो मोदी, डिजिटल ट्रांजेक्शन पे बात करते हैं जरा. हाँ मेरा 13वां कारण है क्यों आएगा तो मोदी. देखिए डिजिटल ट्रांजेक्शन जब डिमोनिटाइजेशन हुआ, मोदी जी को लोगों ने बड़ी खरी खोटी सुनाई, हमने भी उस जमाने में मोदी जी के खिलाफ होते थे, बड़ी खरी खोटी सुनाई, डिमोनिटाइजेशन बड़ा अच्छा नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, चलो माना एक गलती हुई. लेकिन आप देख लीजिए कि उसका लॉन्गर प्लान क्या था, कि कैश को हम लोग कम करें और डिजिटल की तरफ सब लोग बढ़े ताकि सारा सब लोगों का पैसा मेन स्ट्रीम में आ जाए, है ना. अब आप देखिए 2017 में डिजिटल ट्रांजेक्शन भारत में मात्र 8% पे थे, ये मैं जस्ट आफ्टर डिमोनिटाइजेशन आपको बता रहा हूं. डिजिटल ट्रांजेक्शन मात्र 8% पे थे, सब कुछ कैश से होता था या वो लंबा बैंकिंग चैनल्स और वो चेक लिखना और 3 दिन क्लियर करना वगैरह वगैरह. आज आप देख लीजिए 2023 में ये 8% का डिजिटल ट्रांजेक्शन का जो नंबर है वो बढ़ के 76% पे आ गया. जी हाँ, रिपीट, 76% फ्रॉम 8% टू 76% बिटवीन 2017 टू 2023. आज डिजिटल ट्रांजेक्शन सब जगह, हर जगह QR कोड आप चलता है, ये बटन दबाया और तड़ से जो है 10 सेकंड में आपका पैसा इधर से उधर ट्रांसफर हो गया. हमारे यहाँ डिजिटल ट्रांजेक्शन आज 76% पे है 2023 में, 2024 में तो अभी और बढ़ गए होंगे, और ये नंबर बढ़ गया होगा. आज UPI टेक्नोलॉजी देख लीजिए, सारी दुनिया इसका लोहा मानती है. वीजा और ये बड़े बड़े जो कार्ड्स होते थे, हाँ ये लोग घबरा गए हैं UPI से, डर रहे हैं UPI से. और कितनी कंट्रीज भारत की UPI टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रही है, भारत वहां UPI चला रही है, ये सब मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है. इसलिए आएगा तो मोदी. करते हैं मेरा 14 कारण, मेरा 14th रीजन वाई आएगा तो मोदी. देखिए बड़ी ही सिंपल डील है, हाँ ऐसा है. मोदी जी देखिए, मोदी जी का परिवार पूरा भारत है, ठीक है. मोदी जी इज सिंगल बाय चॉइस, भारत के प्रति समर्पित है, उनकी फैमिली है भारत और भारत की तरक्की, ठीक है. तो मोदी जी में जो जील है एज अ रिजल्ट, उनकी सारी एनर्जी भारत के लिए खर्ची होती है. तो 24/7 365 मोदी जी लीडर है. अब कोई और लीडर मोदी जी के खिलाफ खड़ा हो, फैमिली वाला लीडर हो, जिसकी बीवी है, बच्चे हैं घर में, बीवी कहती है संडे को पिक्चर दिखा दो, बच्चे कहते हैं ट्यूजडे को अपू घर घुमा दो, तो वो लीडर कितना समय दे पाएगा देश को. मोदी जी को ये सब कोई हैंगअप्स नहीं है, वो लगे रहते हैं, उनका पूरा परिवार देश है भाई, पूरे देश को अपू घर घुमाना चाहते हैं, पूरे देश को संडे पिक्चर दिखाना चाहते हैं, पूरे देश की तरक्की कराना चाहते हैं, पूरे देश को भव्य प्रभु श्री राम के मंदिर अयोध्या घुमाना चाहते हैं. हाँ पूरे देश की जो तरक्की है और देश का सेल्फ रिस्पेक्ट है और ऑनर है उसको बढ़ाना चाहते हैं, औहदा बढ़ाना चाहते हैं दुनिया में, तो मोदी जी लगे रहते हैं. तो मोदी जी के जो लीडरशिप है बोथ फॉर इंडिया एज वेल एज जो लीडरशिप जो उनकी पार्टी में है बीजेपी की, मोदी जी 300-300 रैलियां कर देते हैं पूरे साल भर में. ये जो बाकी लीडर्स हैं जो खाली भी बैठे हैं वो इस गवर्नेंस भी नहीं कर पाते हैं, ही नहीं उनके में इतनी काबिलियत. तो मोदी जी जैसे मैंने कहा, हैंड्स ऑन प्राइम मिनिस्टर, हैंड्स ऑन लीडर,
और जिसको कहते हैं अ 24/7/365 काइंड ऑफ अ लीडर। तो वो इस प्रकार की लीडरशिप अद्भुत है, बिल्कुल अद्भुत। इसलिए आएगा तो मोदी, मेरा 15वां कारण है और आखिरी कारण क्यों आएगा तो मोदी। और ये आखिरी नहीं है, 15 में वीडियो फिनिश कर रहा हूं मैं, ऐसे 1500 कारण और दे सकता हूं क्यों आएगा तो मोदी। देखिए मोदी डिक्टेटर, इस प्रकार की वीडियो वीडियो बन सकती है, बहुत अच्छी बात है जो बना रहे हैं। मैं मुझे बहुत अच्छा बच्चा लगता है, ध्रुव राठी बहुत अच्छा बच्चा है, उसका कॉन्टेंट खूब देखिए एजुकेशनल वाला। लेकिन जिस रेट से ये वीडियोज बना रहा है अभी आप देख लीजिए, फिर वो एजुकेशन से ज्यादा प्रोपेगेंडा की तरफ बेंडिंग हो रही है। तो कहीं लड़का अपना भटक रहा है, कोई बात नहीं, बच्चा है, बनाने दीजिए, आप लोग नजरअंदाज करिए, बच्चा है। मेरा 15वां कारण है, देखिए मोदी जी की जो पॉपुलैरिटी है ना, वो इंटरनेशनली आप देखिए रिकॉग्नाइज है। ना सिर्फ जो वर्ल्ड के लीडर्स हैं, वर्ल्ड के सभी टॉप लीडर्स मोदी जी की वाहवाही करते हैं, उसके अलावा जो वर्ल्ड के जो सीईओज हैं, सीईओज को इतना करने की जरूरत नहीं है, लेकिन देखिए सुंदर पिचाई से लेकर के जो है टिम कुक हो गए से लेकर बिल गेट से लेकर इलॉन मस्क, सब मोदी जी के दीवाने हैं, सब फैंस हैं, इनका लोहा मानते हैं, इनके दीवाने हैं। तो मोदी जी की जो जो इंटरनेशनल प्रेजेंस है, जो इंटरनेशनल वाहवाही है, जो इंटरनेशनल पॉपुलैरिटी है, वो सिर्फ ग्लोबल लीडर्स के साथ साथ सारे सीईओज ऑफ द टॉप कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड में भी बहुत ज्यादा है। ये भी एक अद्भुत चीज है दैट अक्रॉस बोर्ड एनीवेयर इन द वर्ल्ड मोदी जी इज रिकॉग्नाइज्ड, ही इज लव्ड, ही इज पॉपुलर एंड अबव ऑल ही इज रिस्पेक्टेड। ये एक अद्भुत चीज है, इसलिए आएगा तो मोदी। फिर से कहना चाहूंगा कि ये 15 कारण है, क्योंकि वीडियो शॉर्ट रखनी है वरना 200 साल तक आप वीडियो ही देखते रहेंगे। मैं अपने 1500 कारण और 1.5 लाख कारण आपको दे दूं क्यों आएगा तो मोदी और क्यों आना चाहिए मोदी जी को। आई विश मोदी जी एंड भारतीय जनता पार्टी द वेरी बेस्ट, आई विश द एंटायर इंडिया माई नेशन, मेरे भारतीय लोग द वेरी बेस्ट। मेरे भारतीय लोगों को पता है इस इलेक्शन में किसकी लीडरशिप में किसको वोट देना है, क्या भारत के लिए सबसे अच्छा है, इसलिए आएगा तो मोदी। इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू वॉच्ड इट टिल हियर, जस्ट ऑल्सो एंश्योर दैट यू प्रेस द रेड बटन, सब्सक्राइब एंड टर्न इट इनटू ग्रे। ओके, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन होगी दबा दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा हमारे भारतीय लोगों से, इसको जगह जगह पे अपने ड्रॉइंग रूम, अपने लिविंग रूम में, अपने नुक्कड़, अपने पंचायत पे चलाइए, क्योंकि आप सभी भारतीय लोगों को जानना चाहिए क्यों मोदी जी का नेतृत्व बेस्ट है, क्यों मोदी जी के नेतृत्व पे भारतीय जनता पार्टी को वापस आना चाहिए और भारत देश को और आगे बढ़ाना चाहिए। फ्रॉम 4 trillion to 5 trillion to 50 trillion का ये जो सफर है मोदी जी के नेतृत्व में, वो कैसे हमें बढ़ाना चाहिए, और इसमें हम सभी भारतीय लोगों को अपना योगदान और वोट जरूर देना चाहिए। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत और जय श्री राम।